नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच कल देर रात तक बैठक हुई, जिसके बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक कमेटी की घोषणा की गई है, जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी देखेगी। कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जांच पूरी होने तक संघ के काम से दूर रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। पहलवानों के शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत निशाने पर आए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दूसरे दौर की वार्ता में गतिरोध दूर होने पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित अन्य पहलवानों ने अपना धरना खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मैराथन बैठक के बाद कहा, एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है, जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज ही की जाएगी। ये समिति 4 हफ्ते में जांच पूरी करेगी। ये समिति WFI और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़न के सभी आरोपी की गंभीरता से जांच करेगी। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया, जांच पूरी होने तक वो ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि WFI के रोजमर्रा के काम को निगरानी समिति देखेगी। वही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से देर रात मैराथन बैठक के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और हमें उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए फिलहाल विरोध वापस ले रहे हैं। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्यों में मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव और 2 वकील भी शामिल है। रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आएगी, इससे जुड़ी हर खबर, हर ताजा जानकारी हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज के साथ धन्यवाद।